करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी बला की खूबसूरती और दमदार अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया है। 90 के दशक की वो सबसे सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। करिश्मा अब 47 साल की हो चुकी हैं। मुंबई में वो अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान के साथ अकेली रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ना ही वो फिल्में करती हैं और ना ही ज्यादा एड में दिखाई देती हैं, तो फिर उनके घर का खर्च कैसे चलता है? साथ ही वो अपने बच्चों का लाखों करोड़ों का खर्चा कैसे उठाती हैं? इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर जितना सक्सेसफुल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही अनसक्सेसफुल रही है। प्यार में करिश्मा ने कई बार धोखा खाया है और जब शादी की तो वहाँ भी किस्मत उन्हें धोखा दे गई। करिश्मा को नाकाम शादी का दर्द झेलना पड़ा। पति से बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक हुए करीब 6 साल बीत चुके हैं। हालांकि वो 2014 में ही अपने पति से अलग होकर मुंबई में रहने लगी थी। करिश्मा को इंडस्ट्री में परफेक्ट सिंगल मॉम कहा जाता है, जो अपने बच्चों की परवरिश बेहद शानदार तरीके से कर रही हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बच्चों की फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी संजय कपूर पर है। संजय और करिश्मा के तलाक को बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाकों में गिना जाता है। संजय कपूर को तलाक के बाद करिश्मा को बतौर एलिमनी मोटी रकम देनी पड़ी थी। करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ जिस फ्लैट में रहती हैं, वो संजय से तलाक के बाद करिश्मा कपूर को मिला था। वो फ्लैट संजय कपूर के पिता का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय कपूर ने अपने दोनों बच्चों के नाम से 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिनका ब्याज प्रति महीने 10 लाख रुपए करिश्मा कपूर को मिलता है। करिश्मा के दोनों बच्चे देश के सबसे महंगे स्कूल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई और रहन सहन पर होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी भी संजय कपूर के पास ही है। संजय कपूर अपने बच्चों से मिलने के लिए मुंबई आते रहते हैं, जहाँ वो दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। कुछ समय पहले संजय और कियान को लंच पर साथ देखा गया था। वहां उनके साथ करिश्मा भी स्पॉट हुई थी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस कड़वे मोड़ पर आकर संजय कपूर और करिश्मा कपूर ने अपनी शादी के खूबसूरत रिश्ते को खत्म किया था, उस कड़वाहट को भूलकर अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप करिश्मा कपूर की लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।